Assalamualaikum everyone. I welcome you all in our week number 4, lecture number 1. Previously, jo hum padhe the, it was about microorganisms and biotechnology. Also, we studied about various kind of microorganisms, bacteria, tha, viruses, the, fungi. The, or then we studied about biotechnology. Ki hum microorganisms ko kis tarah se useful aspect mein use kar sakte hain aur unke harmful aspects kaun-kaun se ho sakte hain. Furthermore, humne ye bhi padha tha ki hum biotechnology ko isliye bhi padhte hain because हमें पता हो कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना हार्मफुल है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना यूजफुल है, एंड सो ऑन. टुडे जो आज हम पढ़ेंगे, इट विल बी अबाउट एंटीबायोटिक्स. और ये वो सब्जेक्ट है या वो कंटेंट है जो कि हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, भाई पेट खराब हो गया एंटीबायोटिक्स ले, गला खराब हो रहा है एंटीबायोटिक्स खा लें, आज की कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है तो एंटीबायोटिक्स खा लें, फलानी फलानी, एंड सो ऑन. एंटीबायोटिक्स हैं क्या? एंटी मीन्स, आपको पता है इसको अपोज करते हैं इस वर्ड को हम एंटी. एंड बायोटिक्स मीन्स कि किसी भी लिविंग थिंग के लिए. सो वो वाली मेडिसिन एंटीबायोटिक्स या कह लें वो केमिकल्स हैं जो कि किसी लिविंग थिंग के अगेंस्ट एक्ट करते हैं उसे किल करने के लिए. फर्दरमोर दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. अगर हम एंटीबायोटिक्स का, किसी भी एंटीबायोटिक का अगर आपको नाम आता है, जिस तरह सिप्रोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, लिगोफ्लोक्सासिन, बहुत सारी और हैं. अच्छा एनीवेज, आप इसमें से किसी एक का भी नाम गूगल पे लिखें और उसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो दे आर सो कॉम्प्लेक्स. बहुत सारे बॉन्ड्स, जिसने आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बहुत न्यूमरस बॉन्ड्स होते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड्स एंड सो ऑन. इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है एंटीबायोटिक्स का. तो टेक्निकली दे आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. और उनके कॉम्प्लेक्स होना जरूरी इसलिए भी है बिकॉज जिस माइक्रोब पे उसने एक्ट करना है, अगर वो खुद वीक होगा तो वो माइक्रोब पे किस तरह से एक्ट कर सकेगा. सेकेंड पॉइंट कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये फायदा है हमें बायोटेक्नोलॉजी का कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने के लिए, डिफरेंट मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए जो कि हमारे सर्वाइवल में हेल्प करती हैं हमें. थर्ड पॉइंट इज दे ट्रीट बैक्टीरियल डिजीजेस. जितनी भी बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, जितनी भी इन्फेक्शन होंगी, आइदर वो स्किन इन्फेक्शन हैं, स्टोमिक इन्फेक्शन हैं, और हर वो इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया से लिंक्ड है, सो ऑल दोज आर बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो हम उसके लिए एंटीबायोटिक यूज करते हैं. कभी भी हम किसी वायरल इन्फेक्शन के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक यूज नहीं करेंगे. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है जहन में कि गला खराब हो रहा है, फ्लू हो रहा है, तो वो होता है वायरस की वजह से, तो हम उसमें एंटीबायोटिक क्यों ले रहे होते हैं? जिस तरह एजिथ्रोमाइसिन है, एजोमैक्स, हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं वायरस की कंडीशंस के अंदर. वो इस वजह से क्योंकि जब वायरल अटैक होता है बॉडी पे तो बॉडी वीक हो जाती है, और उस वीक होने के कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है कि डिफरेंट तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो भी ओवरकम कर जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. सो उस चीज को रूल आउट करने के लिए कि भाई दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना अटैक कर दें, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा नुकसान ना पहुंचा दें, सो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं. रही बात वायरस की, तो एंटीवायरल मेडिसिन बहुत कम है. यूजली बॉडी में इतनी कैपेसिटी या इतनी इम्यूनिटी होती है कि वो वायरस को, वायरस का एक लाइफ साइकिल होता है, उस लाइफ साइकिल के अंदर ही उसे किल कर देते हैं. और एंटीबायोटिक्स इसलिए जाती हैं कि बॉडी को एक तो स्ट्रेंथन किया जाए और दूसरे जो इधर उधर से जितने बैक्टीरियाज आ रहे हैं उनको मारा जा सके. ओके, रही बात कि अब ये जो जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके हम एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, दे आर मोस्टली फाउंड इन सॉइल. और ये कौन कौन से होते हैं? यूजली फंजाई हैं या बैक्टीरिया हैं. हम डिफरेंट तरह के फंजाई और बैक्टीरियाज को यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए. हमारे पास एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना होगा, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. और उसको इस इंट्रोडक्शन पे, इस डिस्कवरी पे उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था. सो पेनिसिलिन जो प्रोड्यूस की गई है, इट इज बाय पेनिसिलियम. पेनिसिलियम एक फंजाई है. फंजाई को यूज करके, और किस तरह यूज करके, फंजाई को ग्रो करवाया गया. तो जब फंजाई ग्रो करता है तो एज अ बाय प्रोडक्ट, वो जब फूड खाता है, फंजाई का जो कह लो कि माइक्रोब है, फूड खा के उसको प्रोसेस करके जब उस फूड को एक्सक्रीट करता है, तो वो जो एक्सक्रीशन है, इट कंटेन्स पेनिसिलियम, पेनिसिलिन सॉरी, एंटीबायोटिक. सो हम पेनिसिलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं यूजिंग द फंजाई पेनिसिलियम. फर्दर ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, देन वहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एरोबिकली रेस्पायर करता है. लेकिन जब हम इस फर्मेंटर की बात करें तो हम इसको जस्ट नेम दे रहे हैं फर्मेंटर का, बिकॉज दे आर सो लार्ज. आप देखो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 100,000 टू 150,000 लीटर्स. 100,000 टू 150,000 लीटर का फर्मेंटर है, मतलब दो रूम्स एक दूसरे के ऊपर हों तो वो इतना बड़ा फर्मेंटर बनेगा. उस फर्मेंटर में हम लिक्विड ऐड करते हैं, और वो लिक्विड क्या होता है? इट इज अ न्यूट्रिएंट ब्रोथ.
ब्रॉथ मीडियम, अगर आपको याद हो O2 में हमने एक चीज पढ़ी थी जिसमें एक ब्रॉथ था और एक एगर जेल थी, AGAR, एगर जेल। ये दो वो वाले मीडियम है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कह लो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फास्ट फूड है, उनको बहुत पसंद है ये। सो जब भी हमने किसी माइक्रोब को ग्रो करना होता है, हम उस मीडियम के अंदर, वेदर ये वो फर्मेंटर है या वो छोटी सी पेट्री डिश है, उसके अंदर हम न्यूट्रिएंट ब्रॉथ ऐड करते हैं या फिर एगर जेल को ऐड करते हैं, देन इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालेंगे। अच्छा, इसको जरूरी क्यों है, हम न्यूट्रिएंट ब्रॉथ क्यों डाल रहे हैं उस फर्मेंटर के अंदर? बिकॉज फूड होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे ग्रो करेगा, मतलब उस फूड पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे, देन फिर ग्रो करेंगे एंड सो ऑन। और हमें पता है कि जैसे मैंने रिसेंटली बताया कि जब पेनिसिलिन बनाने के लिए हम जो फंगस यूज कर रहे हैं पेनिसिलियम, वो फूड को ईट अप करती है, खाने के बाद जो एक्सक्रीशन कर रही है वो जो फंगस है वो जो एक्सक्रीशन कर रही है, दैट कंटेन्स पेनिसिलिन। अच्छा, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हो गया, उस मीडियम के अंदर जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट सोर्स होगा इट इज लैक्टोज। अच्छा, ये जो बातें बता रहा हूँ ये आपको मेमोराइज करनी कि कमर्शियल स्केल पे किस तरह से पेनिसिलिन बनाई जाती है। सो ये सब मेमोराइजेशन है, बी फर्मेंटर का साइज है इतना, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट सोर्स कौन सा है, लैक्टोज, फर्दरमोर हमारे पास ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी डाल जाते हैं। अच्छा, ये सारे न्यूट्रिशन क्यों डालते हैं, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, आप देखो सॉइल के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, यूरिया एंड फर्दरमोर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं, उनको डालते हैं क्यों, भाई हमारी क्रॉप अच्छी हो। सो हम उस फर्मेंटर में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और डालते हैं ताकि हमारे पास फंगस की ग्रोथ अच्छी हो, क्योंकि ग्रोथ अच्छी होगी तो वो हमें फर्दरमोर आगे प्रोडक्शन अच्छी देगा पेनिसिलिन की। उसके बाद उस पूरे मीडियम में कुछ बड़ा सा जार बना हुआ है, बड़ा सा कंटेनर है, उसको कंटिन्यूसली स्टिर किया जाता है, अंदर स्टिरर लगा होता है और नीचे एक इनलेट्स होती है डिफरेंट तरह की जहां से एयर ब्लो की जा रही होती है। सो कॉन्स्टेंटली एयर ब्लो की जा रही है और उसे स्टिर किया जा रहा है, और ऐसा क्यों, ताकि उस सारे इन्वायरमेंट को एरोबिक बनाया जाए, ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूस वहां पर सप्लाई रखी जाए, ताकि जो अंदर माइक्रोब है वो एनएरोबिकली रिस्पायर ना करने लग जाए। अगर वो एनएरोबिकली रिस्पायर करेगा तो हमारा ये पूरा प्रोसेस फेल हो जाएगा, क्योंकि एसिड प्रोड्यूस होगा उस सिचुएशन में। सिक्स पॉइंट इज कि जब ये सारा कुछ सेट हो गया, भाई हमने लिक्विड भी डाल दिया, फूड भी डाल दी, सारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, एयर ब्लो कर रहे हैं, स्टिर कर रहे हैं, अब पॉइंट है कि हम अपने स्ट्रेन को या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिसने पेनिसिलिन प्रोड्यूस करनी है उसको उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। अब उस सारे आप एक जेन में बना लो, जिसका मैं एक बड़े से जार की बात कर रहा हूँ, आप छोटे जग को जेन में रख लो, भाई अब वो जग में सारा कुछ रेडी हो गया, अब हमने बस उसके अंदर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंसर्ट करना है। एंड देन जब आप उसे इंसर्ट करते हो और वो सारा मीडियम चल रहा है, तो वो पेनिसिलियम जो फंगस है वो उस सारे मीडियम पे फीड करेगा। स्टार्टिंग में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बोलने लगा, स्टार्ट में जब आप लेट्स सपोज भी 1000 आपने माइक्रोब्स डाल दिए बीच में, वो 1000 माइक्रोब्स पहले उसे खाएंगे तो डेफिनेटली उसे टाइम लगेगा, तो स्टार्ट में जो प्रोडक्शन है पेनिसिलिन की वो थोड़ी होगी। फिर जब वो काफी हद तक इस मीडियम को खा चुके होंगे और वो ग्रो कर रहे होंगे, तब कह लो कि अगर लेट्स सपोज 2 आवर का प्रोसेस है तो 1.5 आवर्स के बाद, 90 मिनट्स के बाद आपकी पेनिसिलिन की प्रोडक्शन फुल एक्सेल कर जाएगी, और एक टाइम आएगा जब आप लास्ट 10-15 मिनट्स के अंदर अंदर वो प्रोडक्शन फिर से कम होने लग जाएगी, उस वक्त आप अपना प्रोसेस रोक देते हैं। प्रोसेस रोक के जितनी भी पेनिसिलिन बनी होती है उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। एक्सट्रैक्ट किस तरह करते हैं, थ्रू क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें सिंपली हम जो जितनी भी पेनिसिलिन निकल रही है उसको फुल कोल्ड करके उसके क्रिस्टल्स बना लेते हैं, क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लेते हैं, या अगर क्रिस्टलाइजेशन नहीं की जाती तो उसके नीचे एक छोटी सी टैप लगी होती है, उस टैप को ओपन करते हैं, सारी पेनिसिलिन बाहर निकालने के बाद फर्दर उसे क्लीन करके तो फिर फर्दर वायल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इतना हो गया हमारे पास कि पेनिसिलिन किस तरह से बन रही है। अब इस सारे प्रोसेस में ये जो 1 से 7 तक आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इनमें हम 2 प्रोसेस यूज करते हैं, या बैच ऑपरेशन या कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन। इसमें सिर्फ ये डेफिनेशन की हद तक आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। बैच ऑपरेशन में क्या होता है, भाई एक वो जो लेट्स सपोज वो जग की बात कर रहा हूं जिसमें लस्सी बनाई थी हमने, अब हमें लेट्स सपोज लस्सी ही बना रहे हैं, ये लस्सी है फॉर एग्जांपल, तो हमने एक दफा लस्सी बना ली, सारा उसको निकालना पड़ेगा, निकाल के उस सारे जग को वॉश करेंगे, फिर दोबारा से नई चीजें डालेंगे, फिर दोबारा से लस्सी बनेगी, दिस इज बैच ऑपरेशन। बैच ऑपरेशन में हम वो पूरा फर्मेंटर खाली करते हैं, उसे साफ करते हैं, उसे स्टेराइल करते हैं ताकि कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे इन्फेक्ट ना करे, देन हम उसको दोबारा से रिफिल करते हैं, फिर से ये सारा प्रोसेस करते हैं। एंड डेफिनेटली जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये सब कुछ बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड आता है हमारे पास कंटीन्यूअस ऑपरेशन। कंटीन्यूअस ऑपरेशन में उस पूरे ऑपरेटर्स को हम एज इट इज रखते हैं, और हमारा प्रोडक्ट बनता जा रहा है, हम उसे निकालते जा रहे हैं और ऊपर से नई फूड ऐड करते जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई थी, फूड खत्म हो गया था, सो पेनिसिलिन बनना बंद हो गई थी, ये हमारी प्रोडक्शन कम हो गई।
सो कंटिन्यूअस बैच में ऐसा नहीं होता. कंटिन्यूअस बैच में हम कंटिन्यूअसली फूड डालते जाते हैं, नीचे से अपनी प्रोडक्ट निकालते जाते हैं एंड ये प्रोसेस चलता जाता है. दिस इज टाइम सेविंग और बजट में भी आता है ये. एंड थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.